अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है और आज हम करेंगे बैकग्राउंड क्लिप टेस्ट। जैसे कि हमने पीछे बैकग्राउंड इमेज किया है, ये भी उससे कुछ रिलेटेड ही है और हमने ओरिजिन भी किया, ठीक है। देन आज हम क्लिप करेंगे और इसके हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कि इसके कुछ वैल्यूज हैं। एक आती है बॉर्डर बॉक्स कि हम अपना जो बैकग्राउंड क्लिप है उसको कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है इसकी बॉर्डर बॉक्स। देन हमारे पास आता है कंटेंट बॉक्स के जहां से आपका कंटेंट शुरू हो रहा है वहां से ही आपका जो बैकग्राउंड है वो शुरू हो। देन आपका पैडिंग बॉक्स है और लास्ट में ये न्यू प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं टेक्स्ट एक्सपेरिमेंटर, ठीक है। ये प्रीफिक्स के साथ ही चलती है, इसके अलावा आपके ब्राउजर के अंदर ये रन नहीं करेगी। इसको हम देखते हैं ये होता क्या है। तो आपके पास ये एक कुछ टाइप है, ठीक है, मैंने इसको रन किया हुआ है, ठीक है। तो आपका ये जो बॉर्डर है, जो बैकग्राउंड है, ये आपका इस बॉर्डर से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिफॉल्ट वैल्यू लगी हुई है, ठीक है। अगर हम इसे कंटेंट से शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू जो है कंटेंट देंगे, और जो न्यू वैल्यू टेक्स्ट वाली एक्सपेरिमेंटल जिसको कहते हैं हम, तो वो ये है कि आपकी जो हेडिंग है या कोई भी आपका जो डाटा है, आप उसके पीछे अपनी कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इसको आप किस तरह सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल जो है उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये एक फाइल है, ठीक है, इसको देखते हैं हमारे पास किस तरह नजर आती है, ठीक है। तो आप बस ये सिंपल एक फाइल है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे जो हमारी फाइल है, यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेंट बॉक्स है, ये हम कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे हम जो अपनी फर्स्ट वैल्यू है हम देते हैं पैडिंग, ठीक है, पैडिंग बॉक्स देते हैं, ठीक है। इसको आप सेव करें और इधर जाके आप रन करें, ये देखें जो आपका कंटेंट है ये आपका पैडिंग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको कंटेंट से शुरू करें तो आप सिंपल यहाँ पे पैडिंग की जगह पे कंटेंट लेके आएंगे। इसको मैंने सेव किया और जाके हम इसको रन करते हैं, ये देखिए आपका कंटेंट से शुरू हो रहा है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो आपकी बॉर्डर बॉक्स है, वो आप दें या ना दें वो आपकी वर्क करेगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरह अपनी जो हेडिंग है इसके पीछे अपनी जो पिक्चर वगैरह है उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पिक्चर ऐड करो, यहाँ पे हम लिखेंगे URL, ठीक है। देन हम इमेज पाथ लिखेंगे कि आपकी किस फोल्डर में इमेज पड़ी हुई है, तो मेरे पास एक इमरान नाम की इमेज है, ठीक है, और JPG में है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सेव करो और इधर जाके आप रन करो, ठीक है। ये आपको पीछे एक इमेज नजर आ रही है, ठीक है। तो आप इसको टेक्स्ट के अंदर लेके आ जाते हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका टेक्स्ट जो है इसका जो कलर है वो आप ट्रांसपेरेंट करें ताकि आपको वो नजर आए, ठीक है। और देन आप क्या करेंगे, अपना जो टेक्स्ट है उसका साइज जो है आप बड़ा करेंगे, फॉन्ट साइज, ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ 160, ये काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी फैमिली जो है वो इम्पैक्ट लेके आएंगे ताकि आपको कुछ क्लियर नजर आए, जो इम्पैक्ट वाली फैमिली होती है फॉन्ट की वो कुछ ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। इसको आप सेव करो और अब आप जाके वहां पे रन करो, ठीक है। तो आपको फिलहाल तो ट्रांसपेरेंट है तो आपको कुछ टैक्स वगैरह नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप वहां पे जाके अपनी प्रॉपर्टी यूज करें, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज करते हैं टेक्स्ट, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इसको एक बार मैं बगैर प्रीफिक्स के रन करके दिखाता हूं, तो ये रन नहीं हो गई,
देखें ये रन नहीं हो रही, ठीक है। आप वहां पे जाके जस्ट जो आपका ब्राउजर है उस हिसाब से जो प्रीफिक्स है आप यूज करेंगे, वेबकिट यूज करेंगे हम इसके लिए, इसको आप रन करो। तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है इसके पीछे आपकी वो इमेज जो है वो नजर आपको आ रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और इस तरह की वीडियोज के लिए चैनल के साथ रहें।